देखिए, कोई भी कंपनी इसलिए गाड़ी नहीं बनाती कि वो मार्केट में लॉन्च करे और उसे कोई भी ना खरीदे। लेकिन भाई, लोगों ने भी तो बड़ी मेहनत करके इतना मुश्किल से पैसा कमाया होता है, लाखों रुपए किसी गाड़ी पर वो खर्च कर रहे हैं, तो वो तो बेस्ट प्रोडक्ट ही चुनेंगे ना। अब इसी कॉम्पिटिशन की जद्दोजहद में कुछ गाड़ियाँ पीछे रह जाती हैं और कुछ तो इतना पीछे रह जाती हैं कि उनका होना या ना होना एक बराबर कहानी हो जाती है। ऐसी ही कुछ 15 गाड़ियों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनकी बिक्री मार्च के महीने में ना के बराबर हुई है, या फिर कहूँ बहुत 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 कम हुई है। 15th पोजीशन पर है रेनो की क्विड, जिसकी सिर्फ 928 यूनिट्स ही बिकी हैं। भाई, टाइम बदलते टाइम नहीं लगता, मेरा मतलब है कि एक टाइम था और वो बहुत पुराना टाइम नहीं है जब क्विड अकेले ही मारुति की ऑल्टो और वैगनार जैसी गाड़ियों को तगड़ा कंपटीशन दिया करती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप देख रहे हो, क्विड की तरफ कोई देखना तक नहीं चाह रहा है। जबकि आज की तारीख में भी क्विड की रोड प्रेजेंस और उसके लुक्स वैगनार और ऑल्टो एस्प्रेसो, जहाँ तक कि मैं कहूँगा वो कौन सी गाड़ी है, एक और डिब्बी है ना, एस्प्रेसो हो गई, वैगनार हो गई, अपनी ये हो गई, ऑल्टो हो गई, और एक और डिब्बी है ना, इग्निस, इन सारी गाड़ियों से बेहतर नज़र आती है आज भी। लेकिन बिक्री के नाम पर आप देख रहे हो 1000 यूनिट भी नहीं बिकी है। 14th पोजीशन पर है टोयोटा की रोमियोन, जिसकी 688 यूनिट से बिक पाई हैं। रोमियोन कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये अर्टिगा का रीबेस्ट वर्जन है जो टोयोटा वालों ने लॉन्च किया है। हालांकि जितनी भी रीबेस्ट गाड़ियां लॉन्च हुई हैं आज तक मार्केट में, चाहे वो टोयोटा ने लॉन्च करी हो या मारुति ने, कोई भी नहीं चली है, नहीं चली है, नहीं चली है। ये वीडियो नहीं अटका था, मेरी जुबान अटक गई थी, क्योंकि वाकई में इतनी गाड़ियां नहीं चली हैं। 13th पोजीशन पर है मारुति की सियाज, जिसकी 590 यूनिट्स बिकी हैं। भाई, आप लोगों को याद हो तो अंदाज में 2018 या 19 के टाइम पे सेडान्स का मार्केट था, मतलब कि सियाज और होंडा सिटी, इन दोनों गाड़ियों के बीच में सेगमेंट किंग बनने की होड़ चलती थी। कभी सियाज बिक जाती थी 4,500 यूनिट्स, तो कभी होंडा सिटी बिक जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे भाई, सियाज की 600 यूनिट्स भी नहीं बिकी हैं। सियाज ही नहीं, कोई भी सेडान मार्केट में नहीं चल रही है, जो सस्ती सेडान्स हैं वो फिर भी चल रही हैं, बाकियों के तो भाई वारे न्यारे हो रखे हैं। 12th पोजीशन पर है टोयोटा का पिकअप ट्रक हाइलक्स, जिसकी सिर्फ 356 यूनिट्स ही बिक पाई हैं मार्च के महीने में। भाई, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस गाड़ी की इतनी कम बिक्री होना स्वाभाविक है, और इससे शौक ना तो मुझे लगा है और ना मुझे लगता है कि टोयोटा को भी लगा होगा, क्योंकि टोयोटा ने भी सोच रखा होगा कि ये गाड़ी इतनी ही बिकेगी। एक तो ये पिकअप ट्रक है जिसकी डिमांड इंडियन मार्केट में बिल्कुल है नहीं। हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, कुछ मैं यूपी में भी कहूँगा, जो लोग इस गाड़ी को खरीद कर मॉडिफाई करा कर चलाना चाहते हैं और चलाते भी हैं। कुछ ऐसे इक्के दुक्के लोग भी हैं जो एक धांसू गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अलग ही दिखे और उसको मॉडिफाई करा के बढ़िया तगड़ी रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी चाहिए, और वो ले लेते हैं। बस वही इसके कस्टमर्स हैं और कोई वैसा यूजफुल कस्टमर नहीं है। हाँ, आपको इस गाड़ी का कस्टमर बनना है तो आपको सिर्फ शौक नहीं होना चाहिए एक धांसू गाड़ी का, आपकी जेब में पैसे भी होने चाहिए। भाई, आपका गांधी जी जो है ना, उनके गले में हाथ आपका डला होगा, तभी आप इस गाड़ी को खरीद पाओगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा महंगी है ये। आगे बढ़े तो 11th पोजीशन पर है मारुति की इनविक्टो, जो कि मारुति की गाड़ी नहीं है, ये असल में रीबेस्ड इनोवा हाईक्रॉस है, जिसे इनविक्टो के नाम से लॉन्च किया गया है। इसकी सिर्फ 348 यूनिट्स ही बिक पाई हैं, और इसके पीछे का कारण आप जानते हो कि भाई, जो ओरिजिनल मालिक होता है, लोग बाग उसी से गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं, उसकी चाहे कितनी भी कॉपी या रीबेस्ड वर्जन लॉन्च कर लो, बात नहीं बनती। लोगों को अगर इनोवा चाहिए तो वो टोयोटा की तरफ अपनी गाड़ी घुमाएंगे, ना कि मारुति की तरफ, सीधी बात। 10th पोजीशन पर है जीप की कंपस, जिसकी 329 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में, भगवान जाने, ऑफिशियल कंफर्मेशन तो अभी तक कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी को किसी फेसलिफ्ट की नहीं, नेक्स्ट जनरेशन की ज़रूरत है, और पता नहीं कितने साल बीत गए यार, मैं छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन ये इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने में नहीं आ पा रही है, देखते हैं क्या होता है। 9th पोजीशन पर आई है मारुति की उम्मीदें, मेरा मतलब है मारुति जिम्नी। भाई, इस गाड़ी की मात्र 318 यूनिट्स बिक पाई हैं, इतनी कम बिक्री जिम्नी की होगी, ये जिम्नी ने खुद नहीं सोचा होगा, जिम्नी के बनाने वालों ने नहीं बिल्कुल सोचा होगा, क्योंकि जिम्नी की जितनी हाइप थी उस हिसाब से 318 तो कुछ भी नहीं है। मतलब इस गाड़ी की बिक्री कम से कम 4,000 या 5,000 हर महीने होनी चाहिए थी, और थार की बिक्री इतनी कम हो जानी चाहिए थी इसके लॉन्च होने के बाद में, लेकिन थार पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है, और जिम्नी की हालत आप देख ही रहे हो, 9th लीस्ट सेलिंग कार है। एक तो क्या है, देखने में बच्चों का खिलौना लगती है। अब भाई, आप लुक्स के ऊपर थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना, मतलब पिक्चरों में ये फिर भी ठीक लग रही होती है, सामने से तो वाकई में खिलौना लग रही होती है।
अगल बगल के पड़ोसी के बच्चे रोने लगते हैं, ये मेरे खिलौना का ले जा रहे हो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जिमनी के लुक्स के ऊपर दो चार बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और जिमनी नहीं और भी चार पांच ऐसी गाड़ियाँ थी जिनके लुक्स गजब ही हैं। मतलब अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, देखना, बड़ा मज़ा आएगा। भाई आगे बढ़ते हैं, तो 8th पोजीशन पर है सिट्रन की C3, जिसकी सिर्फ 265 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई सिट्रन बड़ी जिद्दी कंपनी लग रही है मेरे को, मतलब मेरे अंदाज में 3 या 3.5 साल हो गए हैं इसको इंडियन मार्केट में, और ये लोग अभी तक मार्केट ही नहीं समझ पाए हैं। ये बस लगे पड़े हैं फायर करने में, एक निशाना नहीं लग रहा है इनका पर, लेकिन लगातार फायर हो रही है। भाई एक ढंग का प्रोडक्ट तो लॉन्च करो, उसके बाद उम्मीद करो कि वो चलेगा नहीं चलेगा। आपका पूरा का पूरा शोरूम लिस्ट सेलिंग कार में डला हुआ है तब से जब से आप इंडिया में आए हो, क्या है ये। लो भाई 7th पोजीशन पर डली है सिट्रन की C3 एयरक्रॉस, जिसकी 211 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये तो हालत हो रखी है, अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझ पर कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। 6th पोजीशन पर है मॉरिस गैराज की ग्लॉस्टर, जिसकी 131 यूनिट्स बिकी हैं मार्च में पूरे इंडिया में। भाई ग्लॉस्टर है ना, वैसे देखा जाए चलाने में, बैठने में, फीचर्स वाइज, पैकेज वाइज, प्राइस वाइज एक गजब की गाड़ी है। भगवान जाने यार ये गाड़ी क्यों नहीं चली, मतलब फॉर्च्यूनर के सामने तो यार बिल्कुल गू खा गई है, बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं दिया इसने लॉन्च होने के बाद फॉर्च्यूनर को। एंडेवर जैसी गाड़ी भी फॉर्च्यूनर को कंपटीशन नहीं दे पा रही थी, लेकिन जब से एंडेवर मार्केट से दूर हुई है सबकी छाती फटी जा रही है, एंडेवर चाहिए, एंडेवर चाहिए। मतलब जेब में इलेक्ट्रिक लूना खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन भाई साहब एंडेवर की जुदाई सहन नहीं हो रही है। 5th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 110 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। उन कुछ हूतियों में से एक मैं भी था जिसे टूसॉन बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि मैंने तब तक है ना इसको इमेजेस में, वीडियोस में देखा था, तो मेरे दिमाग में एक सुपर सेक्सी वाली इमेज थी, भाई अगर लेनी है कोई गाड़ी तो टूसॉन लेनी है, और इतना बजट उस टाइम पर मेरा हुआ करता था कि हाँ यार ले लेंगे। लेकिन जैसी ये गाड़ी लॉन्च हुई है, मैंने सामने से इस गाड़ी को देखा है, इंटीरियर इस गाड़ी का देखा है, मेरे अरमानों की जो हत्या हुई है, एक्चुअली में मैंने अपने अरमानों की आत्महत्या कर ली। मैंने ये गाड़ी लूँगा मैं इतने पैसे खर्च करके, ये कहीं से सेक्सी नहीं लग रही है कहीं से भी। इनफैक्ट जितने प्राइसेस में ये गाड़ी मिल रही है उतने प्राइसेस में, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि नहीं बोलूँगा, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। 4th पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन, जिसकी 96 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मेरिडियन एक कोई बहुत नया प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपस का ही 7-सीटर वर्जन है, और ये प्रॉपर 7-सीटर भी नहीं है, ये स्यूडो 7-सीटर है, मतलब कि पीछे वाली सीट पे जो थर्ड रो है वहाँ पर सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं। और जिस बजट में यह गाड़ी मिलती है तो लोग मेरिडियन क्यों खरीदें, मेरिडियन से बेहतर खरीदना तो भाई ग्लॉस्टर है, फिर कि ग्लॉस्टर खरीद लो थोड़े बहुत पैसे मिलाकर, एक नंबर गाड़ी है, सातों लोग फैल के बैठो और मस्त जाओ लंबे से लंबे रूट पे। आगे बढ़े तो 3rd पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी 94 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मेरे को है ना शुरुआत में बड़ा कन्फ्यूजन होता था टिगुआन और टाइगुन में, कि टाइगुन महंगी है कि टिगुआन महंगी है, पर मैं एक दिन बैठा है नहीं, मैंने भगवान से दुआ मांगी, प्रेयर मांगी, सब मांगी, मैंने सब मांग लिया उस दिन कि भाई साहब मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दोनों गाड़ियों में डिफरेंस कर सकूं कि टिगुआन महंगी है और टाइगुन सस्ती है। मैंने लिख के पढ़ा, सब कुछ करा, पर्दों के पीछे लिखा, अपनी टेबल के आगे लिखा, सब जाके अब मुझे फाइनली याद हो गया है कि टिगुआन महंगी वाली है और टाइगुन सस्ती वाली है। 2nd पोजीशन पर है महिंद्रा की मराठजो, ये है ही क्यों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसकी सिर्फ 51 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई मतलब तो भारत की जनता ने आपको चढ़ोतरी भी चढ़ा दी है 51 रुपये की, घर पे मेहमान आते हैं तो हम उसे पैसे देते हैं ना ऐसे 1 रुपये बढ़ा के, 51, 101, 501, 1001, तो भाई 51 रुपये दे दी, अब तो चले जाओ मार्केट से, आप हो ही क्यों, आप डीजल गाड़ी होने के बाद भी पेट्रोल से कम माइलेज निकाल पा रहे हो। हाँ आप गाड़ी चलाने में ठीक हो, कम्फर्टेबल हो, लेकिन शक्ल कितनी ख़राब है यार, क्या करोगे ऐसी शक्ल की गाड़ी का, अंदर बैठने में मज़ा आ रहा है लेकिन बाहर से तो भैया आप वो दिख रहे हो ना, मतलब मल्लू, समझ रहे हो मतलब मल्लू। खैर जो भी है, बात कर रहे हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो भाई अरे त्रिवा भाई सिट्रन कंपनी तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि बाकी कंपनीज ने मिलकर सिट्रन को यहाँ पर इसलिए लाया हुआ है कि भाई ये लिस्ट सेलिंग गाड़ियों की जो लिस्ट बनती है ना उसमें तुम अपनी गाड़ियाँ घुसड़ दो, इनके चक्कर में हमारी गाड़ियाँ उस लिस्ट में नहीं आएंगी। और मुझे लग रहा है इसके पीछे फंडिंग है, बाकी कंपनीज इसको फंड कर रहे हैं सिट्रन को। सिट्रन की C5 एयरक्रॉस की एक सिंगल यूनिट नहीं बिकी है पूरे भारत में, और यही है लिस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च। इतनी सारी बातें सुनने और बोलने के बाद में मेरा बहुत तेज मन होने लगा है सिट्रन कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाने का,
जिसमें मेरी मन की जो फंसी हुई बातें हैं वो पूरी निकाल सकूं मैं। हाँ, अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, अगर आप देखोगे नहीं तो मैं क्यों बनाऊं भाई फिर। तो ये थी सबसे कम बिकने वाली 15 गाड़ियाँ। अगर किसी भी बुरी से बुरे हालात में आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलना, समय पर नोटिफिकेशन मिलते हैं एकदम टिंच। चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।